हेलो 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 हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी हूँ मैं इंदौर हाईवे पे और नॉर्थ ईस्ट का जो टूर था वो कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद मैं घर पे रेस्ट कर रहा था। तो लगभग 12 दिन का रेस्ट करने के बाद आज मैं फाइनली घर से निकला हूँ और अब जा रहा हूँ मैं इंदौर की तरफ। तो मैं अभी खड़ा हूँ इंदौर हाईवे पे और इंदौर से फिर मैं जाऊंगा या तो राजस्थान जाऊंगा या फिर गुजरात जाऊंगा। तो अभी इंदौर हाईवे पे खड़ा हूँ और यहाँ से फिर लिफ्ट लेके मैं इंदौर में रुकूंगा आज रात और इंदौर के लिए निकल रहा हूँ। सो गाइस, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था और खजूरी के उस पार मैं इंदौर हाईवे पे खड़ा था। तो भाई ने मुझे लिफ्ट दी है और इन्होंने मुझे लगभग 7-8 किलोमीटर छोड़ा है। और ये भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमान। अमान भाई ने मुझे यहाँ तक छोड़ा है, ये भी यहीं के रहने वाले हैं और ये देखते रहते हैं। मुझे इनकी बातों से लगा है कि ये इस तरह की वीडियोस ये देखते रहते हैं यूट्यूब पे। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बिल्कुल भाई, आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहा तो भारत यात्रा होने के बाद हम दिल्ली की यात्रा भी करेंगे। बस आपका सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है मुझे। पूरा सपोर्ट है हमारा आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई, काफ़ी टाइम से मैं खड़ा था और फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। तो मुझे लिफ्ट मिली है इस ट्रक में और ये भैया हैं, ये इंदौर तक ही जाएंगे, इंदौर की गाड़ी है। आप इनसे कुछ बात करते हैं, हाय कर दीजिए व्यूअर्स को। हाँ भैया, हाय हाय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरु यादव भैया। और आप कहाँ तक छोड़ोगे मुझे? कहाँ तक? आप बोलो, वहाँ तक छोड़ूंगा भगवान, इंदौर तक छोड़ूंगा, भोजन करवाऊंगा। तो भैया मुझे इंदौर तक छोड़ेंगे और मैं इंदौर में ही आज रात रुकूंगा और इंदौर के बाद फिर मैं गुजरात के लिए निकलूंगा। तो हेलो गाइस, मुझे लिफ्ट मिल चुकी थी और मुझे ट्रक से लिफ्ट मिली है और ये ट्रक भी इंदौर से आगे जाएगा धार के लिए। तो मैं इंदौर में उतर जाऊंगा और यहाँ पे रुके हुए ड्राइवर साहब यहाँ पे खाना खाएंगे, मुझसे भी बोल रहे हैं खाना खा लो, लेकिन मुझे भूख नहीं है क्योंकि मैं खाना खा लिया था मैंने। और ये जो गाड़ी खड़ी है पीछे, इससे आया हूँ और ये कुछ सीन है इधर का। ये जो ढाबा है दरबार ढाबा, यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके हैं ड्राइवर। और मुझे तो भूख है नहीं, मैं तो खाऊंगा नहीं खाना। ये कुछ ऐसा सीन है इधर का। और ये अपना इंदौर हाईवे, ये सामने पेट्रोल टैंक है। हमारे ड्राइवर साहब हैं जो हार लाए हुए गाड़ी के लिए, तो ये हार चढ़ा रहे हैं गाड़ी में। और अभी हम यहाँ पर रुके हुए, ये देवास का टोल टैक्स है और देवास ही है मतलब ये। तो यहाँ पे हम रुके हुए हैं, हम चाय पियेंगे यहाँ पे। और ये मेरे सामने ये होटल आप देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे हम चाय पियेंगे। और आप थोड़ा सा गाड़ी में और गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं देवास में। और माता जी का बहुत बढ़िया आपको वीडियो दिखाया, चामुंडा माई। मेरे सामने एक शारदा माता का मंदिर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं, जो बड़ी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर जो लाइट जल रही है, मंदिर सा दिख रहा है, ये शारदा माता जी का मंदिर है। और एक रास्ता चला जाता है इंदौर के लिए और ये वाला रास्ता उज्जैन के लिए ना? नहीं, ये जा रहा है उज्जैन ही जा रहा है, ये फोर लाइन झांसी ग्वालियर शिवपुरी जा रहा है, माता जी का मंदिर। तो मैं जा रहा हूँ इंदौर। तो गाइस, अभी मैं इंदौर में उतर चुका हूँ और इंदौर में उतरा हूँ मैं बेस्ट प्राइस के पास। ये 4 लाइन रोड है और ये रोड सीधा जाता है मुंबई के लिए। मुंबई यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे उतरा हूँ मैं। तो अब यहाँ से जाऊँगा मैं विजयनगर के लिए। विजयनगर में कोई गुरुद्वारा है उसमें रुकूँगा, या अगर नहीं होता है वहाँ पर रहने का गुरुद्वारा में, फिर मैं रेलवे स्टेशन जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये देख सकते हैं मेरे सामने आप, ये आइनॉक्स मॉल है, यहाँ का आइनॉक्स मॉल है। और ये कुछ ऐसा सीन है इधर का। ये देखिए,
मैं पहुंच चुका हूं इंदौर में, और अभी हूं मैं LIG चौराहे पे। ये पूरा मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये पूरा जाम लगा हुआ, और ये भैया ने मुझे लिफ्ट दी है। मैं बाईपास से पैदल आ रहा था, और काफ़ी पैदल चलने के बाद मुझे लिफ्ट मिली थी, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी, और इन्होंने मुझे LIG चौराहे पे तक मैं आ गया हूँ, और यहीं पे गुरुद्वारा है। अगर हो सकता तो मैं नाइट स्टे यहीं पे करूँगा, अगर रहने का अरेंजमेंट होता है तो। इंदौर के बारे में आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसे मैं एक्सप्लोर कर सकूँ या घूम सकूँ? सर, इंदौर तो घूमने लायक जगह है ही, बहुत सी जगह घूमने लायक, आप घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है। तो गाइस, अभी हूँ मैं इंदौर में, और LIG गुरुद्वारे में यहाँ पे लंगर चल रहा है, तो मैं लंगर खाऊंगा यहाँ पे, और लंगर खाने के बाद यहाँ पर लंगर चल रहा है, ये गुरुद्वारा है। खाना हमने खा लिया है, और अभी इंदौर में ही हूँ मैं, और गुरुद्वारे में जो लंगर चल रहा था उसमें मैंने लंगर कर लिया, और एक पप्पा जी थे उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह भी दे दी, उन्हीं का घर है, उन्हीं के घर में मैं रुकूँगा आज रात। और ये इंदौर का ऐसा सीन है, और वाकई में जो इंदौर यार 5 साल से स्वच्छ शहरों में नाम आता है ना, फर्स्ट नंबर पे देश में, वाकई में यहाँ पे साफ़ सफाई है। और ये मेरे सामने आप जो गुरुद्वारा देख रहे हो, इसी गुरुद्वारे में मैंने लंगर किया था। बहुत बड़ा गुरुद्वारा है ये, काफ़ी बड़ा गुरुद्वारा है ये, LIG चौराहे के बिल्कुल नज़दीक है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये दोनों भाइयों से मिलके, इन्होंने मेरी काफ़ी मदद की है, और ये भाई भी है, इनका भी एक चैनल है यूट्यूब पे, ये भी डालते रहते हैं। तो क्या नाम है आपके चैनल का बता दीजिए? गिरीश सोनोने नाम का इनका यूट्यूब चैनल है, तो आप जाके सर्च करिए और सब्सक्राइब करिए भाई के चैनल को, और वैसे सपोर्ट करते रहिए यार एक दूसरे की। मुझे रहने के लिए जगह मिली है, और वो पापा जी ने मुझे जगह दी थी, तो मैं वहीं पर रुकूंगा। और ये मेरे पीछे आप गुरुद्वारा देख रहे हो, जिसमें मैंने लंगर किया था, लंगर मेरा खाना हो गया, और सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मैं भूखा था, तो काफ़ी जोरों की भूख लग रही थी, और अभी फिलहाल में पेट भर चुका है मेरा। तो अब यहीं पर रात गुजरेगी हमारी इंदौर में, और इंदौर मतलब काफ़ी स्वच्छ शहर है यार, क्लीन सिटी है इंडिया का, ये चीज़ें मैं सुन रहा था, और मुझे देखने को भी मिली है, और बहुत अच्छा लगा यार इंदौर आके। और सपोर्ट करते रहिए भाई मुझे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छी अच्छी कमेंट्स करिए, तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और आपका प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पंखा भी लगा हुआ, ये मेरा बिस्तर लगा हुआ, मैं यहाँ सो जाऊँगा। तो भाई यहाँ मैं रुका हुआ हूँ, और उन्होंने मुझे ये रूम दिया है रहने के लिए, ये मेरा बिस्तर लगा हुआ है, और ये रूम है, बहुत बड़ा, ये पूरा रूम क्या पूरा घर ही है, ये 1 BHK पूरा 1 BHK फ्लैट, इसके अंदर भी रूम है, लेकिन किचन, और मैंने 8 लगा दिया उधर का, मैं तो यहाँ सोऊंगा भाई। तो ये जगह,